जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा हमने कंप्लीट करा दिया, ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले करीब हमने 49 वीडियो बनाए हैं, 50 वीडियो में यूनिट 7 को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके हिसाब से वीडियोस को बनाया गया है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल के वीडियोस को नहीं देखा है जाके उसे जरूर देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आप अगर हमारे वीडियो देख लेते हैं यूनिट 7 में तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला एग्जाम में नहीं है। मतलब एक भी, मतलब आपके अगर 10 से 15 क्वेश्चन अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिट 7 से आएंगे तो आप 15 में से 15 क्वेश्चन सही करके आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। टोटल ये 50 वीडियो में हमने वीडियो सीरीज को कंप्लीट कराया है। आज हम ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो टोटल ह्यूमन बॉडी का 10वां पार्ट है। इसके बाद हमारे यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आशा कर रहा हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड एनिमल्स, तो ह्यूमन भी आपको पता है कि एनिमल्स में ही आता है, मेमल्स में ही आता है। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, तो यार दो मोड होते हैं जिस तरह से एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें से एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से आपका क्या दिया हुआ है, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में या ह्यूमन सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। तो उसमें ह्यूमन के सिस्टम में रिप्रोडक्शन सिस्टम आता है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो से स्टार्ट करने से पहले जिस चीज को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दिया जाएगा उसको आप ध्यान रखेंगे, जिस चीज में ग्रीन कलर का इस तरह का हाईलाइट किया गया है उसको आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, पीपीटी में जितना बता दिया जाएगा आपको उतना ही स्टिक रहना, उतना आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। द रिप्रोडक्शन पार्ट इन एनिमल प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट। तो जायगोट सबसे पहले बनता है, ठीक है, जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, तो जब भी हम बात करेंगे आपके जायगोट की, ठीक है, तो जो जायगोट होता है वो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में बनता है, इसको युग्मज कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो भी एनिमल्स में रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो आपका गैमेट्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हम बात करेंगे क्या गैमेट्स होता है। जैसे आप इंसान में आपका स्पर्म जो होता है, ठीक है, वीर्य जो होता है वो गैमेट्स होता है, वो फ्यूज होता है आपका किसके साथ, आपके जो, ठीक है, ओवरी से में एग्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ फॉर्म होता है और आपका जायगोट बनता है, ठीक है। इट इज द जायगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, धीरे धीरे जायगोट बढ़ता रहता है और एक बच्चे का रूप लेता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ह्यूमन का गैमेट्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग वीर कहते हैं या आपका स्पर्म कहते हैं, ठीक है, इस तरह फीमेल में एक्स होते हैं, जिन दोनों के मिलने से ही क्या होता है आपका जायगोट बनता है और ये जायगोट धीरे धीरे क्या होता है बच्चे के रूप में बढ़ता है। द मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स इंक्लूड, मेल का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बनता है, सबसे पहली बात तो बनता है टेस्टिस से मिलकर। इसके बाद पहले हमने बात की थी आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें बात की थी इसके बारे में, टेस्टिस से मिलकर बनता है और आपके इसके अलावा टू स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक पेनिस होता है, ठीक है, इतने चीजों से मिलकर टोटली बनता है। तो जिस चीज को वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन कह दिया जाएगा आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या आता है आपको इतना ध्यान रखना है। तो पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं, मतलब टू टेस्टिस आपके होते हैं, ठीक है, टू स्पर्म डक्ट्स होता है जिसे आपका स्पर्म फ्लो करता है, पाइप डक्ट में पाइप होता है और एक पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स को कॉल्ड स्पर्म, ठीक है। तो आपका जो मेल्स में आपका जो गैमेट्स होता है उसको स्पर्म कहते हैं, यह आपका कहां से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए इसके आगे बढ़े, द फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका टेस्टिस होता है तो मेल्स में, तो फीमेल्स में ओवरीज होता है, ठीक है, और एक क्या होता है ओविडक्ट होता है जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा फेलोपियन ट्यूब का रिलेशन किससे है आपको ध्यान रखिएगा, तो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से पूछ लिया जाता है, एंड यूट्रस होता है, ठीक है, ये तीन चीज की हम बात करेंगे, ठीक है। ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, इसको ओवा कहते हैं या एक्स कहते हैं, ठीक है, तो आपको एक्स ध्यान रखना है। तो ओवरी में आपका प्रोड्यूस होता है, जैसे आपका स्पर्म प्रोड्यूस होता है आपका टेस्टिस से, उस तरह ओवरी में आपका प्रोड्यूस होता है एक्स। इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आपको फेलोपियन ट्यूब ध्यान रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में एक्स जो होता है फीमेल में होता है और स्पर्म जो होता है मेल में होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इन ह्यूमन बींग सिंगल मैच्योर्ड एक्स इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबीज टेक प्लेस, लाइक द स्पर्म एग इज ऑल्सो सिंगल सेल। जब हम बात कर रहे हैं कि फीमेल में,
ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है कि हर महीने, ठीक है, एवरी मंथ, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हर महीने क्या होता है, एक्स प्रोड्यूस होता है। ये एक कहां प्रोड्यूस होता है, ये आपका रिलीज होता है ओविडक्ट में, ओवरी द्वारा प्रोड्यूस होता है और आपका ओविडक्ट के थ्रू ये आपका जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये आपका स्पर्म से मिल जाता है तो आपका जो बच्चा बेबी जो होता है यूट्रस में, ठीक है, बेबी का जो डेवलपमेंट, जिसको आप लोग बच्चेदानी भी बोलते हैं, ठीक है, तो यूट्रस में आपका बच्चे का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो सिंगल सेल, तो ये सिंगल सेल होता है, इतना आपको ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि स्पर्म भी सिंगल सेल होता है और एक्स भी आपका सिंगल सेल होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवम, ठीक है। तो जो एक्स होता है उसको ओवम बोलते हैं और जो स्पर्म होता है वो फीमेल के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका गेमेट्स होता है मेल का, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें आपका फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है जुड़ना, दो चीजों का फ्यूज होना, अगर एक दो चीज ऐसे हैं तो ये दोनों आपस में ऐसे करके धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी और एक होती जाएंगी, ठीक है। तो फ्यूजन होता है इसमें स्पर्म का और ओवम का, और व्हेन स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एग, जब आपका स्पर्म जो होता है एक्स के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, तो ये आपका जो बहुत सारे स्पर्म काउंट होते हैं उसमें से एक स्पर्म जो होता है वो आपके एक के साथ जुड़ जाता है या मेल करके फ्यूज हो जाता है, और सच फ्यूजन ऑफ एक्स एंड स्पर्म इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, जो बोलते हैं ना प्रेग्नेंट हो गई है, प्रेगनेंसी, तो ये प्रेगनेंसी इसी वजह से होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। देखिए आपका इसमें दिखा भी दिया गया है, एक्स होता है इसको ओवम कहते हैं, 23 क्रोमोसोम्स, और मेल्स में स्पर्म होता है, ये दोनों के फर्टिलाइज होते हैं और इनको मिलकर क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये आपका एम्ब्रियो बनता है, जिसको आपका छोटा बच्चे का जो रूप होता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स इसमें भी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका मतलब सीक्वेंस क्या होता है, पहले एक्स होता है, स्पर्म होता है, दोनों मिलकर फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होकर जायगोट बनता है, जायगोट फिर एम्ब्रियो बनता है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिस चीज को आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल जाएगा उसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात करें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्म इन द मेल एंड ओवम इन द फीमेल, ठीक है। तो आपको बताया जा चुका पहले, मेल में जो होता है स्पर्म होता है और फीमेल में जो होता है ओवम होता है, जिसको एग भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो फीमेल के जो आपका जेनिटल ट्रैक होता है, ट्रैक्ट मतलब कुछ नहीं होता, एक नली होती है, पाइप होता है, जिसके थ्रू आपका ये स्पर्म जो होता है फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, धीरे धीरे क्या होता है, जब आपका पहुंच जाता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, तो आपका मेल और फीमेल का गैमेट्स का जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, और इससे आपका क्या बनता है, जायगोट बनता है, क्या बनता है, जायगोट बनता है। फिर उसके बाद बात करें फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसाइट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल, ठीक है, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट होता है आपका ब्लास्टोसाइट का, और इसका अटैचमेंट आपका हो जाता है यूटेरिन वॉल के साथ में, ठीक है। इसके बाद बात करें इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जिसको गेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि फॉर्मेशन आपका गैमेट्स ध्यान रखना है पहला, तो ठीक है, उसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, फिर धीरे धीरे आप डिलीवरी ऑफ बेबी कहते हैं, इसको पार्टुरेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ बेबी को क्या कहते हैं, पार्टुरेशन बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। पार्टुरेशन का रिलेशन किससे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो डिलीवरी ऑफ बेबी का जो होता है उसको पार्टुरेशन कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना आपको इंपॉर्टेंट बोला गया उतना ही ध्यान रखिएगा, जितना ग्रीन कलर में उतना ही, इससे ज्यादा आपको छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जब भी बात करते हैं, तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन आपका वो रीजन होता है जो आपके कमर के आसपास होता है, ठीक है। कमर के जस्ट नीचे वाला जो एरिया होता है उसको आप लोग पेल्विस रीजन बोलते हैं। तो ये आपका कमर के नीचे वाला जस्ट एरिया होता है, पेल्विस रीजन, यहाँ पे आपका लोकेटेड होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग द एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटल्स, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है कि आपका पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, जो हमने बात की, टू पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, जिसके अलावा डक्ट होता है जिसका स्पर्म जिसके थ्रू जाता है, उसके बाद ग्लैंड्स होता है, ठीक है, ग्रंथि, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले, इतना आपको सबसे पहले बात है इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात कर, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। स्क्रोटम बोलते हैं वो पाउच, जिसमें मतलब आपका जो टेस्टिस जो होता है, दो जो होते हैं वो जो मेल्स में होते हैं वो आपको स्कॉटम में होते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्कॉटम वो पाउच होता है जिसमें आपके टेस्टिस होते हैं। द स्कॉटम हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म के
डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो आपको स्कॉटम ध्यान रखना, उससे आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। इस टेस्टिस है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। इस लोब्यूल कंटेन वन ऑफ द थ्री हाईली क्वाल्ड सेमी फेरस ट्यूब्यूल होते हैं इन विच स्पर्मा प्रोड्यूस। इतना आपको ध्यान रखना है, टेस्टिस से आपके स्पर्म प्रोड्यूस होता है, इससे आपको कुछ भी ध्यान रखना। इस सेमी फेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन द इनसाइड बॉडी ऑफ बाई टू टाइप्स ऑफ सेल, जिसको आपका मेल जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है, एंड आपका साइटोलॉजी सेल बोलते हैं। दो चीज होता है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो आप जिसकी बात की थी, हमने ट्यूब्यूल की जो बात की थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है जो आपका लोब्यूल में होता है। पहले आपका टेस्टिस में करीब 250 लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, लोब जैसे छोटे छोटे लोब्स होते हैं। उसके बाद आपका हर लोब्स में करीब आपका 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। और इस ट्यूब्यूल में भी आपके दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो मेल जर्म सेल होता है, इसको आपका स्पर्मेटोजोनिया बोलते हैं, और एक सर्टोली सेल होता है, ठीक है। तो सिर्फ इसका रिलेशन किससे आपको ये पता होना चाहिए, अगर सर्टोली सेल आ गया तो इसका रिलेशन किससे है, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन सिस्टम से, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी पूछने वाला नहीं है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड, जिसको इंटेस्टिनल स्पेस बोलते हैं, कंटेंस स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टिनल सेल्स, जिसको आपका लेडिंग सेल बोलते हैं। अब आपसे लेडिंग से पूछ लिया, तो लेडिंग सेल आपको पता होना चाहिए, लेडिंग सेल का मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम से, इससे ज्यादा आपसे इसका आपका पर्पज नहीं पूछेगा, एटलीस्ट प्रीलिम्स में तो नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें, लेडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन, इसके बारे में हमने बात की थी आपकी, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा जाकर जरूर देखिएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, ह्यूमन में जो होता है ना, ह्यूमन में जो हार्मोन्स होता है, ह्यूमन हार्मोन्स जो मेल हार्मोन्स, मेल में ह्यूमन में नहीं, मेल में जो हार्मोन्स होता है उसको एंड्रोजेंस बोलते हैं, ठीक है, और इसमें टेस्टोस्टेरोन मेन होता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि लेडिंग सेल जो होता है वो सिंथेसाइज ट्रांसलेशन करता है और आपका टेस्टिकल हार्मोन्स सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग एंड्रोजेंस बोलते हैं, जो मेल का सेक्स हार्मोन्स होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड्रोजेंस स्टिमुलेट और कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल कैरेक्टर, जो आपके मेल में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे आपका दाढ़ी मूछों का आना, ठीक है, आपका दाढ़ी मूछों का आना, शरीर में बालों का बढ़ना, ये सब जो होता है वो आपका एंड्रोजन से होता है। तो इतना ध्यान रखना है, एंड्रोजन जो है सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, जिसमें आपका टेस्टोस्टेरोन आता है, ठीक है। उसके बाद कर द वैसा एफेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, द एपिडिडाइमिस लीड टू द वॉस डिफरेंस दैट एक्सटेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, इट रिसीव्ड ए डक्ट फ्रॉम द सेमी सेमिनल वेस्कल ग्लैंड दैट सीक्रेट मेनी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सीमेन एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजेक्टेड डक्ट, दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ध्यान रखिएगा, आपका स्पर्म जो सबसे बाहर बॉडी से निकलता है वो यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है, ठीक है, और आपका यूट्रस में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है आपका, जो आपका स्पर्म होता है मेल से। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एक्सटेंड थ्रू आउट द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड, जिसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, यूरेथ्रा ध्यान रखना है कि आपका किसका, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है, जिससे आपका स्पर्म जो होता है वो आपका बाहर आता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा से काफी अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है यूरेथ्रा, इसके बारे में बात की थी, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसका यूरिन जिससे पास होता है, ठीक है। ये आपका प्रोस्टेट होता है, इसी में आपका ये जो पार्ट होता है इसमें कभी कभी कैंसर भी हो जाता है, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। इसके बाद बात करें यूरेथ्रा की, ठीक है, इसी के थ्रू आपका जो स्पर्म होता है ये आपका बाहर आता है। इसके बाद बात करें टेस्टिस की, दो टेस्टिस जो होते हैं, ठीक है, टेस्टिस जो होते हैं एक साइड होता है, एक साइड होता है, ठीक है, इसके ऊपर फोर स्किन होती है, ठीक है, ग्लैंड्स पेनिस टोटल ये पोर्शन होता है मेल का जो होता है, ठीक है, एपिडिडाइमिस होता है, ठीक है, इसको रेट टेस्टिस बोलते हैं, और टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसकी लोब्यूल की बात करें, बहुत सारे लोब्यूल, लोब्यूल का मतलब कुछ नहीं होता, छोटे छोटे ऐसे करके दाने टाइप मान लीजिए आप, ठीक है। और इसके बाद इसमें इधर से दिखा देते हैं आपको, ठीक है, मेल का ये आपका सेम है यूरेटरस, ठीक है, यूरेटर है, ठीक है। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें आपका क्या होता है, यूरिन आपका स्टोर होता है, बात की थी हमने, प्रोस्टेट ये वाला पोर्शन होता है, इसके अलावा यह पोर्शन पेनिस होता है, ये आपका यूरेथ्रा होता है, जो आपका पेनिस के अंदर जो नली आती है जिससे आपका सब कुछ पास होता है, ठीक है। इसके ऊपर फोर स्किन होता है, ये दो टेस्टिस होते हैं, स्कॉटम वो पोर्शन होता है इसके अंदर, देखिए आपका टेस्टिस है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये एनस है आपका पीछे वाला, ठीक है, एनस पोर्शन होगा जिससे आपका वेस्ट निकलता है, मटेरियल निकलता है। यह रेक्टम उसके ऊपर वाला, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की, डाइजेशन सिस्टम में भी बात की थी, और इजेक्टरी रेक्टम। तो आपको इसमें सिर्फ नाम दो तीन चीज़ों की याद रखने, तो यूरेथ्रा ध्यान रखना है, प्रोस्टेट ध्यान रखना है किसका पार्ट है, टेस्टिस ध्यान रखना है, स्कॉटम ध्यान रखना है, ठीक है, और इसका यूरेटर ध्यान रखना है। ये दो तीन चार पाँच चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की, द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ ओवरी अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है, यूटरस होता है, सर्विक्स होता है, ठीक है, वजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, तो भी आपका पेल्विस रीजन जो आपके कमर के आसपास का नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे लोकेशन होता है। तो आपका फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या क्या आता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, दो आपके ओवरीज होंगी, ठीक है, दो ओविडक्ट होंगे,
एक यूट्रस होगा, एक सर्विक्स होगा, एक वजाइना होगा, एक्सटर्नल जेनिटल्स होगा। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स का मतलब होता है जहां से आपका क्या प्रोड्यूस होता है, मिल्क, ठीक है, मतलब ब्रेस्ट वाला जो एरिया हो गया, ठीक है, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द ओव्यूलेशन जो होता है, जिसकी वजह से आपके एग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है जिसकी वजह से एग और आपका स्पर्म जो होता है मिलता है, प्रेगनेंसी जो होता है, बर्थ जो होता है, चाइल्ड केयर, इन सब में आपका मेमोरी ग्लैंड्स भी एक होता है। मेमोरी ग्लैंड्स किस में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका लेडीज जो होती है, फीमेल्स जो होती है, ठीक है। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ऑफ द इस साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, जो आपका एब्डोमेन पेट वाला एरिया जो होता है उसमें लोअर साइड पे दो ओवरीज आपकी दोनों साइड पे होती है। इच ओवरीज कनेक्टेड टू द पेल्विस वॉल एंड यूटरस बाय द लिगामेंट्स, तो हर जो आपकी ओवरी होती है वो कनेक्टेड होती है पेल्विस वॉल से या यूटरस से बाय लिगामेंट्स के थ्रू। इच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इंक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, जिसको आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर मेडुला बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द ओविडक्ट, ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब किससे रिलेटेड है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है, जो आपको ओविडक्ट होता है जो आपका ओवरी से जुड़ा होता है उसी को फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो एमपीपीएससी में पूछने के चांस है कि आपका फीमेल का एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या आता है, एक्सेसरी डक्ट में कितनी चीज आती है। तो एक्सेसरी डक्ट में देखिए, नॉर्मल अगर पूछ लिया जाए फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में, तो बहुत सारी चीज आती है, ओवरी आ जाता है, ओविडक्ट आ जाता है, यूट्रस आ जाता है, सर्विक्स आ जाता है, वजाइना आ जाता है, एक्सटर्नल जेनिटली आ जाता है। बट अगर पूछ लिया जाए एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या आता है, एक्सेसरी मतलब जो किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें ओविडक्ट आ जाता है, यूट्रस आ जाता है, वजाइना, तीन चीज आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए इसके बाद बात करें, इच फेलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ इच ओवरी टू द यूट्रस, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम जो होता है, तो ये आपसे पूछेगा नहीं, ध्यान नहीं रखना इतना। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड आपका फिम्ब्रिया बोलते हैं, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, इसको एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला किसका पार्ट है ये पूछ लिया आपसे, तो किसको आपको पता होना चाहिए, एम्पुला आपका किसका पार्ट है, एम्पुला आपका पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का, ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट स्थमस हैज ए नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंट द यूटरस, द यूटरस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म, ठीक है, जो आपका कोक जिसको आप लोग बोलते हैं, जिसमें बच्चा आपका रहता है, बेबी जो होता है, ठीक है, तो या एम्ब्रियो जो होता है, तो वॉर्म मतलब, तो आपका ध्यान रखें यूट्रस को ही आप लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस को ही बोलते हैं आप वॉर्म, ठीक है, वॉर्म मतलब कोक। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक ए इन्वर्टेड पियर, ये क्वेश्चन आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे आपका पियर अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप का पियर होता है, तो ये इन्वर्टेड पियर, इसको आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है। पियर अगर आप देखें तो पियर मतलब होता है अंजीर, अंजीर थोड़ा ऐसे शेप की होती है, ठीक है, अगर इसको आप थोड़ा सा उल्टा कर दे तो लगभग इस शेप का आपका पाया जाता है, आपका इन्वर्टेड पेयर के शेप का पाया जाता है क्या, यूट्रस। तो इतना आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनल, सर्वाइकल मत पढ़ेगा इसको, सर्वाइकल एरिया जो होता है आपके गले के पास होता है, ये सर्विकल कैनल होते हैं, विच अलॉन्ग द विद वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनल, तो यही आपकी बर्थ कैनल होती है, बर्थ कैनल मतलब जिसके थ्रू आपका बेबी बाहर आता है, तो सर्विकल कैनल थोड़ी सी बात कर, इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि कैविटी ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स वाला जो एरिया होता है उसमें आपकी सर्विकल कैनल होती है, जिसको आपको बर्थ कैनल भी, बर्थ कैनल का भी एक पार्ट है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। थोड़ा इसको तेज पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं है, सो दो तीन चार क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया जाएगा। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज थ्री लेयर ऑफ टिश्यू, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन जिसको आपका पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक ऑफ द स्मूथ मसल, और मायोमेट्रियम एंड इनर ग्रैंडुलर लेयर जिसको आपका एंडोमेट्रियम कहते हैं, दैट लाइज द यूट्राइन कैविटी, ठीक है, और द एंडोमेट्रियम एंडोसाइक्लोसन, जितना आपको छोड़ दीजिए इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बात करें द ग्रैंडुलर टिश्यू ऑफ इच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, तो आपका जो आपका ब्रेस्ट वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, जो मेमोरी ग्लैंड्स में आता है, तो उसका ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है करीब 15 से 20 मेमोरी लोब्स से निकलता है। लोब्स का मतलब कुछ नहीं होता, लोब्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े किसी चीज़ के, ठीक है। लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ द सेल्स जिसको आपको एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है, ये आपने और कहीं भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है कमेंट सेक्शन में बताइए, एल्वियोली, ठीक है।
एल्गोएली, ठीक है। द सेल्स ऑफ द एल्गोएली सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी, जिसको ल्यूमेंस ऑफ द एल्गोलीज कहते हैं। द एल्गोलीज ओपन टू मेमोरी ट्यूबुल्स, ठीक है। ये आपका ब्रेस्ट वाले पार्ट की बात कर रहा है, तो इसमें एल्गोएली थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम, थोड़ा सा हम बात करेंगे इस बारे, ठीक है। ये होता है यूट्रस, जिसको आप लोग कोक कहते हैं, इसी में आपका बेबी जो होता रहता है। इसके नीचे आपका ये यूरिनरी ब्लेडर है, जिसमें आपका क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है, देखिए दोनों रास्ते दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लेडर होता है, इससे आपका यूरिन पास होता है, यूरिन स्टोर होता है, और ये आपका बेबी वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि प्यूबिक सिंथेसिस, इसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है, यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा वो पार्ट होता है, इसके थ्रू आपका यूरिन बाहर आता है सबसे लास्ट में, ठीक है। क्लिटोरियस जो पार्ट होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन फीमेल बॉडी जो होता है, क्लिटोरियस जो होता है सबसे बाहर वाला पार्ट। फिर इसके बाद मिंजोरा, मंजोरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनोरा और मंजोरा, ठीक है। फिर वेजाइनल और ओरिफाइस, एनएस के पोर्शन, वजाइना ये पूरे पोर्शन को बोलते हैं, ये वाला पोर्शन जो होता है, ठीक है, इसको वजाइना बोलते हैं। ये रेक्टम होता है, ये सर्विक्स वाला पोर्शन जो होता है, देखिए सर्विक्स वाला पोर्शन का आपका बेबी वाला जो डक्ट है ना, उसी का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। द रिप्रोडक्शन साइकिल इन द फीमेल, ये क्या किसमें होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। फीमेल प्राइमेट, जिसमें मंकी भी होता है, एप्स भी होता है, ह्यूमन बींग में, इसको आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एट द प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क, ये थोड़ा क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट रखिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब भी आपका जिसको आप लोग बोलते हैं पीरियड आता है, ठीक है, वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिंस एट द प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मेनार्क बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट द एवरेज इंटरवल ऑफ 28-29 दिन में करीब रिपीट होता रहता है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये इवेंट स्टार्ट होता है वन मेंस्ट्रुएशन से लेकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, धीरे धीरे आपका साइकिल बनती जाती है, 28-29 दिन में होता रहता है, ठीक है। इन ह्यूमन बींग मेंस्ट्रुएशन साइकिल करीब 50 साल, ठीक है, डिफरेंट 45 से 50 साल के बीच में रुक जाता है, ठीक है। उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा कि जब आपका मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है, पूरा साइकिल होता रहता है, वो करीब आपका डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स पे, 9 से 45 से 50 साल तक आता रहता है, उसके बाद वो रुक जाता है, उस पीरियड को हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। एक टाइम पीरियड पर रुक जाता है, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। इसके बाद बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है बेबी का, तो आप ड्यूरिंग कपलेशन, ठीक है, सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। नॉर्मली क्या होता है, पेनिस से जो होता है आपका सीमेन जो होता है, स्पर्म जो होता है, वो आपका वजाइना में रिलीज कर दिया जाता है। द मोल्टिस स्पर्म स्विम रैपिडली, धीरे धीरे स्पर्म जो होता है वो तैरता हुआ जाता रहता है, और पास थ्रू द सर्विक्स इंटर इनटू यूटरस, और आपका यूटरस में फैल जाता है, और फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, और कहाँ पहुंच जाता है आपका, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब की हमने पहले बात की आपकी, ठीक है। ओविडक्ट जो होता है फेलोपियन ट्यूब, इसके थ्रू ही पहुंचता है, और द ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपका एम्पुलरी रीजन में, ठीक है, एम्पुला जो पढ़े थे एक वर्ड ना, तो ये एम्पुला इसी का पार्ट था, एम्पुलरी रीजन में आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन, जब ये दोनों एक साथ ही साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ जब आपके एम्पुलरी रीजन में जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, इसलिए ऐसा होता है कि हर बार कई कई बार ऐसा होता है कि हर कॉपुलेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन या बेबी जो होता है वो मतलब प्रेगनेंसी जो होती हो ही जाए। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलुसिडल लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, दस इट इज द वनली स्पर्म, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ओवम सराउंडेड बाई फ्यू स्पर्म ब्लास्टोमेरस इज कॉल्ड मोरुला बोलते हैं। द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड द ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसाइट्स एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस। द ब्लास्टोमेरस इज द ब्लास्टोसाइट्स आर अरेंज्ड इनटू अ आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द आपका ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल, इतना इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। आफ्टर अटैचमेंट द यूटरिन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसाइट, एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसाइट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी, यही होता है आपका प्रेगनेंसी, तो इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए था, ध्यान रहे आपको। देखिए कैसे होता है, ए जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका, देखिए ए जो है ये दिख रहा है आपको, तो यह ट्रांसपोर्टेशन ये होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, पासेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फेलोपियन ट्यूब, ये धीरे धीरे जो होता है, ये देखिए आपका ब्लास्टोसाइट इम्प्लांटेशन, जो बेबी का इम्प्लांटेशन होता है यहाँ पर होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी, देखिए ये आपका मानिए कि क्या है, स्पर्म मान लीजिए, ठीक है, ये आपका एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, इसमें आपका मिलेगा, ये आपका धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे
मोडुला में जाके एम्ब्रायो बनता है और ये धीरे धीरे क्या होता है, जुड़ता रहता है, जायगोट बनता है, जायगोट से फिर ऐसे करके मूव करता हुआ, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच और यहाँ पे जाके एच पोर्शन में जो आता है ब्लास्टोसाइट, जी पोर्शन जो है क्या आपका ब्लास्टोसाइट है, ठीक है, एफ पोर्शन जो है देखिए बहुत सारे, ये आपका एफ पोर्शन, ए पोर्शन देखिए क्या हो रहा है, ए पोर्शन में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से आपका ठीक है, यहाँ ए पोर्शन में, बी पोर्शन में आपका स्पर्म मिल रहा है, सी पोर्शन में दोनों मिल जा रहे हैं, डी पोर्शन में बहुत सारे बन जा रहे हैं, ई में और ज्यादा बन जा रहे हैं और एफ में और ज्यादा बन जा रहे हैं, ठीक है, ब्लास्टोसाइट में यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे से कपलेशन हो जा रहा है और जायगोट बन जा रहा है, जायगोट से फिर आपका एम्ब्रियो धीरे धीरे बन के इम्प्लांटेशन हो जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करें पार्टुरेशन की, यानी लैक्टेशन, लैक्टेशन का जब मतलब आ गया तब भी आप समझिएगा दूध से रिलेटेड है, ठीक है, मिल्क से रिलेटेड है, और पार्टुरेशन का मतलब आपको बता चुके हैं, जब आपका क्या होता है प्रेगनेंसी होती है उसको, प्रेगनेंसी के बाद वाले जो पुरुष उसको होता है क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन बोलते हैं, ठीक है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ करीब होती है, विच इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड होते हैं, ठीक है, आपका गेस्टेशन पीरियड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड जो होता है आपका कितना होता है, ध्यान रखिएगा, गेस्टेशन पीरियड जब भी आएगा तो आप लोग 9 महीने मार जाएंगे, ह्यूमन का अलग होता है, ह्यूमन का अलग होता है, एनिमल्स का अलग अलग होता है, गाय का अलग होता है, हाथी का अलग होता है, ऐसे करके जो आपका गेस्टेशन पीरियड होता है। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज एक्सप्लोजन डिलीवरी ऑफ फोटस, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फोटस या चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्टुरेशन। तो आप ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड बर्थ देने को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन, बच्चे को पैदा होने को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस की बात में पार्टुरेशन बोलते हैं। पार्टुरेशन इज इंडक्टेड बाय ए कॉम्प्लेक्स आपका न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, द सिंगल फॉर पार्टुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फोटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस्ड माइल्ड यूटरिन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड इसका फोटस इंजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल प्यूटरी, यही ऑक्सीटोसिन जो होता है आपका रिलीज होता है किसमें, फीमेल्स में, जो आपके बच्चे को, आपको क्या कहते हैं, बच्चे को पैदा करने में सहायक होता है, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्रेन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, धीरे धीरे क्या होता है बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलने लगता है और द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, दिस लीड टू द एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटरस थ्रू द बर्थ कैनल, ठीक है, जिसको जिस प्रोसेस को हम लोग पार्टुरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या होता है, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना, इसमें ध्यान रखना है यूटरस जो होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से हार्मोन से रिलीज होता है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने से उड़ता है, फैलता है, जिसकी वजह से बेबी बाहर आता है बर्थ कैनल से और इसको हम लोग पार्टुरेशन बोलते हैं, ठीक है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर, धीरे धीरे जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सप्लोर्ड आउट ऑफ द यूटरस, द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है द मेमोरी ग्लैंड जो होती है, मेमोरी ग्लैंड जो आपकी ब्रेस्ट पे होती है ऑफ द फीमेल, एंड उसमें थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, धीरे धीरे क्या होता है उसमें मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे, इसी को हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प द मदर इन द मदर इन द फीडिंग ऑफ द न्यूबॉर्न, और इसी से आपको क्या होता है बच्चा इससे आपका दूध पी पाता है या फीड कर पाता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड, इसको क्लोरोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल पाए, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, माँ के दूध में क्या होता है कोलेस्ट्रम होता है, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। तो ध्यान रखिएगा कि माँ के दूध में कोलेस्ट्रम पाया जाता है और यही कोलेस्ट्रम जो होता है वो क्या काम आता है आपका मिल्क में, जो आपके बच्चे को छोटे छोटे बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं और उन चीजों सबसे बचाने का काम आता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द प्रोपोप्लास्ट कॉल्ड, जिसको क्रॉनिकल बिली बोलते हैं, क्रॉनिक आपका क्रॉनिक बिली बोलते हैं, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्रिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कोलेस्ट्रॉल ध्यान रखिएगा, ठीक है। लैक्टेशन आपको पता चल गया, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सी बात कर लेंगे। द क्रोनिक विली एंड यूट्रेन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड विद ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिटवीन द डेवलप्ड एंडियोफोटस एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक्चुअली क्या होता है कि क्रोनिक विली होता है, यूट्रेन टिश्यूज होता है, जो धीरे धीरे क्या होता है इंटरजिटेड धीरे धीरे जुड़ जाते हैं एक साथ और एक स्ट्रक्चर का रूप ले लेते हैं, फंक्शनल यूनिट का रूप ले लेते हैं, जो जो आपका बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और जो आपकी मैटरनल बॉडी होती है माँ की बॉडी होती है उसके बीच में काम आता है, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट सप्लाई, प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा का काम क्या होता है, जो आपकी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स तो जो एम्ब्रियो को जा रहा है, ठीक है, इवन आपका कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, एक्सक्रेटरी जो वेस्ट होता है मटेरियल उसको आपका जो आपका एम्ब्रियो बच्चा जो होता है वो जो रिलीज करता है उसको, मतलब उसको बच्चे को जितनी भी जरूरी चीजें हैं उसको देना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, खाना हो गया, फूड हो गया, सब कुछ उसको देना और उनका जो वेस्ट है उस माँ के शरीर से बाहर निकालने का काम जो करता है वो आपका प्लेसेंटा करता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू ए
यूम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोलते हैं इसको, अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। जब बेबी होता है तो एक कॉर्ड होती है, एक रस्सी होती है, इसको काटा जाता है, इसी कॉर्ड के थ्रू ही आपका जो होता है उसको बच्चे को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सब पहुंचता है, तो इसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड का आप ध्यान रखेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड वो कॉर्ड होती है जो आपके बच्चे में चीजों को पहुंचाने के लिए काम आती है, ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, वो इसी कॉर्ड के थ्रू ही पहुंचता है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, प्लेसेंटा जो होता है वो एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह से काम करता है, एंड प्रोड्यूस सेवरल बहुत सारे हार्मोन्स के नाम हमने इसके बारे में पढ़ लिया, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो होता है और प्रोजेस्टेरोन जो माँ के माँ में होता है, ठीक है, मतलब फीमेल में होता है। इन द लास्ट फेज ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन्स कॉल्ड रिलैक्सिंग, ठीक है, रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज होता है जो आपका बच्चे के लिए क्या होता है प्रेगनेंसी में, आपका बच्चे को रिलैक्सिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है जो थोड़ा सा माँ को रिलैक्स करता है और मसल को रिलैक्स करता है, जिससे बेबी आपका आराम से हो जाता है, ठीक है, जो कि मसल्स होते हैं रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिंग हार्मोन्स जो होता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये देखिए, यह होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, ये होता है एम्ब्रियो, इसके साथ जुड़ी रहती है और इसी से उसको फूड मिलता रहता है, ठीक है। ये होता है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो, ये बच्चा जो होता है, ठीक है। कैविटी ऑफ यूटेरस है, ये यूटेरस का पोर्शन बताया गया। ये प्लेसेंटा भी नहीं होती, बहुत छोटी छोटी, देखिए, ठीक है। और प्लग्स ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो पूछा गया, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ मतलब आप अच्छे से इसको देख लिए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट उतना ही कंट्रोल किया गया, मतलब उतना ही आपको पढ़ाया गया है, बताया गया। साइड में ज्यादा क्या उसको आपको ध्यान रखने जरूरत नहीं है, लेकिन जितना आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दिया उतना आप जरूर ध्यान रखेंगे। आशा करो वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।